हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ पांडे और हमारे साथ है पप्पू जी। अरे ब्लॉग के भूत, जब बोल रहे हैं कि देरी हो रहा है, वहाँ रिपोर्टिंग करने जा रहे, तुमको समझ नहीं आता है? आधा घंटा आज हम लोग हैं दलदली के गली में और जा रहे हैं न्यूज रिपोर्टिंग करने। और पप्पू जी जेसीबी न्यूज सबसे जबरदस्त रिपोर्टर। अरे ये कौन है जी? क्या थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए था आगे, भाई इमरजेंसी है। ऑलरेडी हम लोग देख सकते हो कि दो लोग बैठे हुए हैं ना। बस बस बहुत इमरजेंसी है भैया, हॉस्पिटल जाना है। इमरजेंसी है जी भैया, बैठो बैठो, हम ज्यादा दूर नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, मदद हो जाएगा इसका। चलो बैठो बैठो, चलो पप्पू जी हेल्प सबका करते हैं, आज भी करेगा हेल्प। आ रहे हैं हम लोग, आज रिपोर्टिंग करेंगे जबरदस्त वाला। पप्पू जी कुछ बोलना चाहेंगे? अरे क्या बोले, अरे अरे यार पुलिस पुलिस पुलिस, अरे यार ये देखो अंदाज कितना। अरे सर सुनिए ना, थोड़ा सा जल्दी में जाना था ना, बहुत इमरजेंसी है। हेलमेट कहाँ है सबका? हेलमेट हॉस्पिटल जाना था। अरे सुनिए ना सर, क्या है ना, अब सुनाइए क्या सुनाना है, सुनाइए। क्या है ना कि ये लड़का है जो है ना, इसको हॉस्पिटल जाना, ठीक, तो ये जल्दी में था, हम इसको सोचे कि थोड़ा हेल्प कर देते हैं इसका। हेलमेट तो होना चाहिए ना हेल्प के लिए। देखिए हम भी क्या है ना कि मीडिया से, ठीक है सर, समझ में आना चाहिए, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक है, समझे। अब तो ट्रिपल लोडिंग आ रहा है ना, हेलमेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। चलिए सर के पास चलिए, आइए आइए सर, आइए चलिए, आइए सर। क्या है सर, देखिए ना कि एक जल्दी में हम मतलब जा रहे थे, तो नेक्स्ट बार से मतलब जो भी हम ख्याल रखेंगे, इस बार थोड़ा जाने दीजिए। अरे आप लोगों के पास थोड़ा सा भी मतलब मीडिया हो क्या? आपके पास थोड़ा सा भी ये सेंस नहीं है कि नहीं, मतलब तीन लोगों को बैठाना? नहीं सर, हम एक खुद ये मतलब कि हमेशा इस बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अब कभी कल हो जाता है गलती। अब देखिए खुद हम हेल्प कर रहे थे किसी का। नाम बताइए, नाम बताइए अपना। पप्पू जी नाम है मेरा, पप्पू जी। अरे पटना के हम बहुत फेमस रिपोर्टर हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा। चलिए 1000 फाइन निकालिए। इस लड़का के देखते सर कुछ कम, ये चलिए कोई आप कट गया उसमें कम वम नहीं हो सकता है। चलिए लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा। चलिए थैंक यू, ठीक है। और तुम तो डेली ब्लॉग ब्लॉग करते रहता है सर, तुम्हारा क्या गलती है सर? नहीं तुम्हारा क्या गलती है, कैमरा निकालो यहीं पे, रिपोर्टिंग थोड़ा कर लेते हैं। दिखाओ जरा सर, दिखाते हैं थोड़ा सा, बंद करो थोड़ा सा, रिपोर्टिंग करते हैं, कैमरा बंद करो ना यार, तुम तो गजब आदमी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू जी। आज हम दलदली में यहाँ पे गली में आए हुए थे, तो हमने देखा एक पुलिस वाले भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों की ज़रूरत है अपने देश में। यहाँ पे देखिए इधर भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा हमको लगता है। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था कि देखिए ये इधर 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर, कैमरा मैन इधर आइए, आइए आइए आइए, और आइए इधर आइए ना, और आइए ना। मेरा लड़का मेरा नहीं है, यहाँ पे बगल में बैठा है, यहीं पे बोला छोड़ने के लिए। कहीं का लड़का, गाड़ी तो आप पे है ना, आपके गाड़ी पे बैठा तो मेरे पास हेलमेट है ना भैया, इमरजेंसी। एक उधर भी है, हाँ उधर देखिए तो निकल गया भाई साहब, भागने में बहुत आगे रहते हैं लोग। आइए उतरिए पहले, इधर साइड में लगाइए गाड़ी। अरे सर पहले गाड़ी साइड में, अरे मेरा लड़का नहीं है, अरे इधर आइए, अरे बोलो ना इमरजेंसी है, साइड में लगाइए पहले। बताइए तो ये आप क्यों मतलब कि ऐसा काम किए? क्या काम किए हम, ये बिना हेलमेट के क्यों बैठा है? बैठा था, कहाँ गया वो लड़का? कौन कहाँ गया? अरे जो लड़का बैठा था मेरे, कहाँ तो मेरे पास है ही नहीं लड़का। अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, मेरे पास सब कुछ है ना, दिखाइए। लाइसेंस है? हाँ मेरे पास सब है, लेकिन रूम पर है, रूम बस बगल में, बगले में रूम है, बस काम से थोड़ा सा छोटा सा काम से जा रहा था। हमको उसे क्या करना है, आप बगल से हैं या पास से कहीं से, उसे क्या दे दीजिए? चलान उलान देखिए, बहुत ईमानदार पुलिस है। अरे सर तो मतलब ड्यूटी कर रहे हैं हम भी, इतना देर से देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले लड़का है। हम समझ रहे, पढ़ने वाले हो तो कुछ भी करोगे। नहीं कैमरा मैन देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी वाला पकड़ा गया है, लड़का चलान तक देने के लिए नहीं तैयार है, बिना हेलमेट का एक लड़का बैठाए हुए था, आप लोग ने अभी देखा, और ये बगल बगल करके ये ड्रामा कर रहा है। लाइसेंस इंश्योरेंस दिखाइए, इधर आइए। सर तो मेरा वो लड़का नहीं था मेरे पास, देखिए भागी हो गया, मेरे पास वो नहीं था। सबको ये सही बोलता है कि मेरा लड़का नहीं है, मेरा भाई नहीं, सब सब बहाना बनाता है। मेरे पास हेलमेट है सर, वो लड़का। अपना नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए सर को, नाम बताइए ना जी। राजीव रंजन, राजीव, ठीक है निकालिए।
देखिए ये पुलिस वाले इतना मेहनत करते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कि अब लगता है कि अब पटना बदलने वाला है, अब पहले वाला पटना नहीं रहा है। ये पुलिस कितने अच्छे से ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, सुधार आना बहुत ज़रूरी है। 1000 निकालिए ना। हाँ, पैसा 1000 नहीं है, 500 ही। आइए थोड़ा सा इधर कैमरा मैन। कर दीजिए, स्टूडेंट है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्या कीजिएगा, अभी से गलती, अब अभी से गलती नहीं कीजिएगा। अरे सर, गलती क्या की है, मेरी गलती है, आप देख रहे हैं, आप देखते नहीं कुछ भी। कहाँ जा रहे थे? कहीं भी जा रहे हैं। अरे तो इतना गुस्सा में क्या है? गुस्सा में क्या है? है? क्या फालतू का बोल रहे हैं, क्या गुस्सा में है? अच्छा ठीक है, जाइए जाइए ना, जाइए ना। अरे बहुत जरूरी होता है ये सब चालान काटना। ठीक है, जाइए। तो आप क्या है कि एक दिन में कितना कमा लेते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मतलब कि ये जो आप चालान काटते हैं, मतलब लगभग कितना वसूली हो जाता है? देखिए इसका कोई ये चीज नहीं है, किसी दिन मतलब वो तो अपने। क्या ये पैसा आप खुद रखते हैं कि सरकार को? सरकार देते के पास जाता है, बात कैसे कर रहे हैं, आपको ये सब पता नहीं, नहीं है? मतलब जिसे हम मीडिया वाले तो थोड़ा सा पूछते हैं कि जिसे जानकारी लेना जरूरी है ना, देश के लिए आप एकदम जान देने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं हमारे सिपाही धूप में खट रहे हैं पूरा अपना। हाँ ये बात तो बहुत अच्छा आपने बोला है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस वाले अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और पप्पू जी भी आज इनका साथ देगा यहाँ पे, जैसे भी होगा। मीडिया वाले हम भी एकदम बने रहेंगे कि अब लग रहा है कि देश का तरक्की होने वाला है। तो देख सकते हैं एक बाइक वाला स्पीड में गया है पुलिस से बचने के लिए, देख सकते हैं किस तरीके से बचा है वो, पता नहीं उसके पास कुछ नहीं होगा। देखिए इधर आइए, इधर आइए, देखिए पकड़ा गया है, इधर आइए ना, इधर। अरे अरे अरे, हेलमेट कहाँ है? तुमको तो देखे लगता 10-15 मिनट पहले, तुम ही ना आया था उधर से? नहीं, हमको कहाँ देखे होंगे भैया, तुमको देखे अभी हम इधर, जब हम अभी अभी किए हैं, हम एक लड़के को लिफ्ट दिए हैं। नहीं नहीं, अभी हम आए हैं इसके साथ, लिफ्ट मांगे थे। नहीं नहीं यार, सेम बैग, इस टी शर्ट कुछ हम यार तुमको हम लगता है 2-3 बार अभी यहाँ पे देखे, तुम उसके साथ अभी एक आता है पीछे से। नहीं भैया, हमको आप नहीं देखे होंगे भैया, मेरे जैसा कोई आपको दिखाओगा भैया? अरे झूठ बोलेगा? नहीं भैया, सच बता रहे भैया। नहीं नहीं, हम तुमको देखे हैं, हम देखे हैं तुमको, बता रहे हैं वहाँ से जब पीछे से तुम आ रहे थे तो तुमको 3 बार देखे हैं, झूठ नहीं। मारिए मत, पहले बताओ कि तुम आया था मेरे साथ? हाँ भैया आया था। मारिए तो मेरे साथ क्यों आया था पीछे से बैठे हुए? और अभी भी उसका भी तुम है, सबके साथ है पीछे, बार बार वहीं से बार बार फिर से बैठता है। पुलिस वाला जो है ना साहेब, वो देते हैं 50 रुपए सब करने के लिए। कौन पुलिस वाला? साहेब जो बैठे हुए हैं, ये पुलिस वाला 50 रुपया तुमको? हाँ हाँ, किस लिए? पकड़ के लाना सबको, 3-3 लोडिंग बैठा करके, तो तब 50 रुपया देंगे। सही बता रहे भैया तुमको, मतलब कि वहाँ से बोलता है आने के लिए। हाँ। कोई भी पब्लिक के साथ? हाँ, हाँ। अब 50 रुपया तुमको देता है जी। तो यही सब तुम करता है रे आए पप्पू जी के क्षेत्र में, पूरे पटना में। साला हम इस पुलिस वाले को इतना ईमानदार, और क्या क्या हम इतना बता रहे थे कि धूप में खड़ी मेहनत कर रहा है, इधर चोर निकला, बेईमान निकला, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे अरे, सुनिए सुनिए भाई, सुनिए, चालान पर आप चालान दे रहे, पहले आप जाइए। अरे सर, आप चालान काटिएगा, ऐसे कीजिएगा, आप पहले इधर आइए। तो नाम बताइए तो। ए ए, चालान अभी पैसा लिया तुमसे? पैसा ले मांग रहे हैं सर। ए तो पहले तुम जा, तो जा 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 सर, चाबी लो जा, आपका पालन करने दीजिए। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। मैं देवेंद्र जी। आपका? वीरेंद्र यादव। आपका क्या नाम? इधर इधर हटिए, इधर इधर आइए, पहले इधर आइए, बैठिए इधर। क्या नाम है? सुरेश। सुरेश तो अभी तो कुछ देर पहले कुछ और नाम बताए थे। कौन से थाना से? गांधी मैदान थाना। तो गांधी मैदान तो हमारा घर है, झूठ। गांधी मैदान में कौन साइड के थाना के हैं? अरे आप जाके पता कीजिए ना। मेरा पैसा पहले दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, हमसे पप्पू जी से आप ठगे हैं, पैसा दीजिए। पैसा कहाँ से? तो आईडी दिखाइए, आईडी कहाँ है, आईडी दिखाइए, अगर आप असली पुलिस वाले हैं तो दिखाइए। अरे आप जाके पता कीजिए ना वहाँ पे, आईडी दिखाइए, आईडी दिखाइए जल्दी। सर भूल गए घर पे, आईडी भूल गए। कहाँ कहाँ भाग गया? अरे इधर आइए, तो इधर आइए, देख सकते हैं बेरुपिया ही पुलिस वाला नहीं था, बेरुपिया पप्पू जी से पैसा ठग ठग के, बताइए तो रसीद भी क्या क्या था, रसीद उधर दिया, साड़ी के अथी वाला साड़ी खरीदा था लगता है पत्नी का, उसका रसीद हमको दे दिया, बताइए तो, बताइए, फ्रॉड था, गजब है। क्या क्या चल रहा है पटना में, पप्पू जी के क्षेत्र में ऐसा कुछ चल रहा है, हमको पता ही नहीं था। चोर पुलिस वाले तो चलिए ठीक है, बताइए तो डुप्लीकेट पुलिस बन के यहाँ पे पैसा लूट रहा, हमसे 500 रुपया लूट लिया, हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात हम सरकार तक ले जाएंगे, उस
पुलिस वाला पता नहीं कहाँ भागा। बताइए जो बैठा था पुलिस वाला, क्या पुलिस नहीं था यहीं का है, पंछा का बगले का है, पीछे घर है इसका। डुप्लीकेट पुलिस, डुप्लीकेट पुलिस था। तो मतलब कि मेरा पैसा चला गया, ठग लिया है वो। तो ऐसे ठग के सब कुछ चुरा लिया है। मेरा भी काटा चला। आप भी, आपका भी काटा है? 500 मेरा भी काटा।